तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हॉररलैंड में। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है एलिजाबेथ हार्वेस्ट। मूवी की शुरुआत में पहाड़ों के रास्ते एक कार में एक लड़की और एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहे थे। कार में उस लड़की की आंखें खुलती है। उस लड़की का नाम एलिजाबेथ था। उसके साथी में बैठे डॉक्टर का नाम था हेनरी। वे दोनों अपने घर जा पहुँचते हैं। हेनरी एलिजाबेथ को घर की मेड क्लेयर और उसके बेटे ओलिवर से इंट्रोड्यूस करवाता है। ओलिवर अंधा था और दोनों डिनर करके अपने रूम में जाते हैं और अपनी शादी की फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह हेनरी एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाता है और सभी रूम में लॉक लगा था जो कि सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। घर में एक रूम ऐसा भी था जहां पर जाने के लिए हेनरी एलिजाबेथ को मना कर देता है और वो वहीं पर एलिजाबेथ को प्यार करने लगता है। अब क्लेयर उन दोनों के मूवमेंट्स को देखकर वहां से चली जाती है और रात को हेनरी एलिजाबेथ से कहता है कि वो काम के लिए सुबह ही निकलने वाला है। अगली दोपहर को क्लेयर एलिजाबेथ को लंच के बारे में पूछती है और मौका देखकर एलिजाबेथ क्लेयर से पूछती है कि हेनरी को इतने सारे नोबेल प्राइज मिले हैं और वो इतना बड़ा आदमी है और फिर उसके जैसी सिंपल लड़की से उसने शादी क्यों की है, जिस पर क्लेयर कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। रात के समय एलिजाबेथ देखती है कि ओलिवर और क्लेयर अकेले रात को कहीं पर निकल गए हैं और ये देखने के बाद में एलिजाबेथ सोने का बहुत ट्राई करती है लेकिन वो सो नहीं पाती है, उसे नींद आ ही नहीं रही थी। एलिजाबेथ उठकर उस रूम में जाती है जहाँ पर जाने के लिए हेनरी ने उसे मना किया था और वो पूरा रूम किसी लेबोरेटरी की तरह था। वहाँ पर बहुत सारी मशीनें चल रही थी और वहाँ की एक मशीन जब वो खुलती है तो वहाँ पर एक लड़की सो रही थी जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देती थी। वो फिर उस रूम से निकलने के लिए भागती है लेकिन एक जगह पर टकराकर उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। वो अपने रूम में आकर अपने जख्मों पर बैंडेज लगाती है और वो किसी को फोन लगाती है लेकिन वो किसी को भी फोन नहीं लगा पा रही थी और वो थक कर वहीं पर सो जाती है। अगले दिन से एलिजाबेथ हेनरी से अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। हेनरी उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ फोन के बारे में बताती है कि यहाँ से कहीं पर फोन ही नहीं लगता है और हेनरी ऐसा कह देता है कि ऐसी जगह से फोन नहीं लगना एक नॉर्मल बात है। हेनरी फिर एलिजाबेथ की इंजर्ड उंगली के बारे में एलिजाबेथ से पूछता है जिस पर वो कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट है और फिर हेनरी एलिजाबेथ के साथ में इंटीमेट होता है लेकिन एलिजाबेथ इसको एंजॉय नहीं करती है और वो इंटीमेट होते समय रोने लगती है। अब आधी रात को हेनरी उठकर रूम से बाहर जाता है और एलिजाबेथ उसे फॉलो करती है। हेनरी को पता लग जाता है कि एलिजाबेथ उसका पीछा कर रही है और हेनरी एलिजाबेथ को जब सजा देने वाला था तो वो एक हथियार देखकर एलिजाबेथ को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। एलिजाबेथ घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर उसका फिंगरप्रिंट लॉक काम नहीं कर रहा था। अब एलिजाबेथ वाइन शेल्फ के पीछे छुप जाती है और उसी रूम में हेनरी भी आ जाता है पर वो एलिजाबेथ को नहीं देखता है और फिर वो लिविंग रूम में जाता है। एलिजाबेथ जब वहां से निकलती है तो देखती है कि लिविंग रूम खाली है और अपनी सेफ्टी के लिए वो भी एक हथियार उठाकर ऊपर के रूम की तरफ जाने लगती है लेकिन हेनरी वहीं पर छुपा हुआ था और वो एकदम से निकलकर एलिजाबेथ पर हमला करके उसे मार डालता है। अगली सुबह ओलिवर और क्लेयर एलिजाबेथ की बॉडी को दफनाकर ठिकाने लगा देते हैं और फिर ओलिवर क्लेयर और हेनरी के साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो वे सभी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और क्लेयर हेनरी को ये सभी काम छोड़ने को कह देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। अब शाम के समय हेनरी के घर पर उसका एक फ्रेंड फ्रैंक आता है जो कि एक डिटेक्टिव था। हेनरी फ्रैंक से कहता है कि एलिजाबेथ सो रही है और हेनरी फ्रैंक से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। फ्रैंक का डिपार्टमेंट कुछ चीजों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और शायद से चीजें हेनरी के लिए हो सकती है पर हेनरी को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब दूसरी तरफ क्लेयर जब अपनी डायरी लिख रही थी तो ओलिवर वहां पर आकर उसके लिए फूल लाता है। क्लेयर ओलिवर से उसे इस तरह गिफ्ट लाने के लिए मना करती है और ओलिवर कहता है कि अगर वो यहाँ पर खुश नहीं है तो यहाँ पर क्यों रह रही है, जिस पर क्लेयर कहती है कि वो चीज़ों को समझती है और इसीलिए वो यहाँ रह रही है। ओलिवर कहता है कि वो यहाँ इसलिए रह रही है क्योंकि वो हेनरी से प्यार करती है और ओलिवर को वहाँ से भेजकर क्लेयर अपनी पिल्स ले लेती है। धीरे धीरे समय निकलता है और 6 हफ्तों के बाद भी उसी पहाड़ के रास्ते एलिजाबेथ और हेनरी घर की तरफ जा रहे थे और इस बार एलिजाबेथ की वेडिंग ड्रेस अलग थी पर बाकी सभी पहले की ही तरह सेम था। हेनरी एलिजाबेथ को क्लेयर और ओलिवर से इंट्रोड्यूस कराता है और पूरा घर दिखाता है और उसी लेबोरेटरी रूम में जाने से मना कर देता है। अब डिनर करने के बाद में दोनों इंटीमेट होते हैं और सोने से पहले हेनरी उसे कहता है कि सुबह उसे काम के लिए कहीं पर जाना है। एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी तो वो किचन में जाती है जहाँ पर उसे क्लेयर मिलती है। वो क्लेयर को हेनरी के बारे में पूछती है क्योंकि वो हेनरी के बारे में जानना चाहती थी। क्लेयर कुछ बता पाती उससे पहले ही हेनरी वहाँ पर आकर
एलिजाबेथ को अपने साथ में रूम में लेकर चला जाता है। अगले दिन एलिजाबेथ घर पर अकेली थी। वो फिर उसी रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर हेनरी ने उसे जाने के लिए मना किया था, और वहाँ पर एलिजाबेथ को उसी की ही तरह हम शक्ल लड़की दिखाई देती है जो कि मशीन के अंदर थी। उसे देखकर वो वहाँ से भागती है और वही हम शक्ल एलिजाबेथ मशीन से निकलकर एलिजाबेथ के पीछे जाती है। एलिजाबेथ ये देखती है कि क्लेयर और ओलिवर कहीं बाहर गए हैं और वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। फिर वहाँ पर हम शक्ल एलिजाबेथ आकर असली एलिजाबेथ का फेस टच करती है और उसका पजामा निकालती है। एलिजाबेथ नींद में थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर अगली सुबह एलिजाबेथ नींद से उठकर देखती है तो पाती है कि वो आधी नेकेड है। हेनरी उसे दिखाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, और एलिजाबेथ फिर बाथरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए। हेनरी बाथरूम के अंदर जाना चाहता था पर एलिजाबेथ उसे रोकती है, और फिर भी हेनरी अंदर आ ही जाता है। हेनरी टॉवल हाथ में लेता है और उसकी बात न मानने की वजह से वो एलिजाबेथ को मारने ही वाला था। एलिजाबेथ बाथरूम से भागती है पर हेनरी उसे पकड़कर टॉवल से उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, और किसी तरह से एलिजाबेथ उसे किक करके वहां से भाग जाती है। वो दरवाजे की तरफ आती है पर उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, और वहां के ग्लास को तोड़ने की वो कोशिश करती है पर वो नहीं टूटता है। एलिजाबेथ किचन में जाकर एक चाकू उठा लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। हेनरी एक कपड़े पर क्लोरोफॉर्म लगाकर एलिजाबेथ को पकड़ने जाता है। हेनरी लिविंग रूम में जाकर पियानो बजाता है, फिर वो पियानो की रिकॉर्डिंग बजा देता है ताकि एलिजाबेथ को लगे कि हेनरी अभी भी वहीं पर है। एलिजाबेथ जब किचन से निकलती है तो हेनरी उसे पकड़कर क्लोरोफॉर्म का कपड़ा उसके मुंह पर लगा देता है, जिससे कि एलिजाबेथ बेहोश होने का नाटक करती है, और मौका मिलते ही वो हेनरी पर चाकू से कई बार वार करती है और हेनरी वहीं पर मारा जाता है। अब क्लोरोफॉर्म की वजह से एलिजाबेथ उसके पास ही बेहोश हो जाती है, और कुछ समय के बाद में एलिजाबेथ को होश आता है तो वो उठकर हेनरी की बॉडी को दरवाजे के पास ले जाती है। वो हेनरी की फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता है, और वो घर से खून को साफ करती है, जिसके बाद में वो हेनरी की डेथ बॉडी छुपा देती है। वो फिर नहाती है और अपने शरीर से खून को साफ करती है, और अपने खून से सने कपड़ों को जला देती है, और वो अपनी वेडिंग रिंग को भी उतार देती है। फिर वो थक कर सोफे पर सो जाती है, और तभी उसे हेनरी का फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वो जब हेनरी के फोन को देखती है तो उस पर क्लेयर के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। फिर एलिजाबेथ 911 पर कॉल कर ये बताती है कि वो अपने घर पर लॉक हो गई है, पर उसके घर का एड्रेस भी उसे नहीं पता था, और वो कुछ और बता पाती उससे पहले ही क्लेयर और ओलिवर घर पर आ गए थे। एलिजाबेथ ऐसा दिखाती है कि जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं हो, और वो बुक पढ़ने का नाटक करती है। वो क्लेयर से कहती है कि हेनरी ऊपर कमरे में सो रहा है, और क्लेयर और ओलिवर उसे वहां पर देखकर शॉक्ड हो गए थे। क्लेयर किचन में जाती है और अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है, और वो किसी तरह 911 पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाती है, और कुछ ही समय में एम्बुलेंस वहां पर आकर क्लेयर को हॉस्पिटल लेकर जाती है। और उसी का मौका देखकर एलिजाबेथ घर से बाहर निकलने वाली थी, पर ओलिवर उसे रोककर कहता है कि अगर वो यहां से बाहर गई तो वो भी उसे पुलिस से नहीं बचा सकता, और उसे पता है कि एलिजाबेथ ने ही हेनरी को मार दिया है। एलिजाबेथ कहती है कि उसने ये सेल्फ डिफेंस में किया है, और ओलिवर उसे हेनरी की डेथ बॉडी दिखाने को कहता है। एलिजाबेथ और ओलिवर हेनरी की बॉडी को बर्नर में डाल देते हैं। ओलिवर फिर एलिजाबेथ से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, और वो कहती है कि उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो वो ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी, और असल में वो एक अनाथ है। ओलिवर को ये पता था कि एक्सपेरिमेंट के चलते ये सब एलिजाबेथ के दिमाग में डाला गया है, और ओलिवर बताता है कि हेनरी ने 6 बार एलिजाबेथ के क्लोन बनाए थे, जिनमें से 4 को उसने पहले ही मार दिया है, और वो 5वें नंबर की एलिजाबेथ है। सारी के सारी एलिजाबेथ हर तरफ से एक जैसी दिखाई देती है, और दोनों को दिखता है कि फ्रैंक उनके घर पर आया है। ओलिवर एलिजाबेथ को कुछ बातें समझा कर फ्रैंक के पास भेज देता है। एलिजाबेथ फिर जाकर फ्रैंक से मिलती है, और वो कहती है कि हेनरी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अभी भी सो रहा है। और ओलिवर जब पानी लेने जाता है तो फ्रैंक एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और उसे पता चला था कि उसने 911 पर कॉल किया है। ओलिवर फिर वहां पर आकर ही कहता है कि 911 पर कॉल क्लेयर के लिए किया गया था, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था। ओलिवर फिर से रूम में चला जाता है, और फ्रैंक कहता है कि इस घर में कुछ ना कुछ अजीब जरूर है, क्योंकि एलिजाबेथ को स्लीप डिसऑर्डर है, ओलिवर अंधा है, और क्लेयर का हार्ट कमजोर है, और आज हेनरी भी बीमार है, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर अचानक ओलिवर वहां पर आकर हेनरी को गोली मार देता है, जिससे कि वो वहीं पर मारा गया था। ओलिवर फिर एलिजाबेथ को समझाता है कि फ्रैंक ने पहले की ही एक एलिजाबेथ को देखा था, तो उसे उन पर पहले से ही शक हो गया था, और इसीलिए उसे मारना जरूरी था।
तीसरे नंबर की एलिजाबेथ जब घर से भाग गई थी तो फ्रैंक उसे रास्ते में मिला था और वह उसे वापस हेनरी के पास लेकर आया था। उसके बाद में हेनरी ने तीसरी एलिजाबेथ को मार दिया था और उसके बाद में चौथे नंबर की एलिजाबेथ को बनाकर उसमें पुरानी मेमोरीज डालकर उसे हेनरी की वाइफ बनाकर रखा गया था। एलिजाबेथ इन सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो ये सब नहीं सुनना चाहती थी। वो दोनों फ्रैंक की डेड बॉडी को ले जाकर बर्नर में डालकर उसे जला देते हैं। ओलिवर एलिजाबेथ को क्लेयर की डायरी पढ़ने को कह देता है और एलिजाबेथ को उसी रूम में लॉक करके वहाँ से वो चला जाता है। एलिजाबेथ वहाँ से निकल नहीं पाती है तो वो उस डायरी को पढ़ने लगती है क्योंकि क्या पता कि उसे वहाँ से कुछ पता लग जाए। क्लेयर की डायरी में लिखा हुआ था कि 5 साल पहले हेनरी ने क्लेयर को अपने घर पर बुलाया था और क्लेयर एक न्यूरोलॉजिस्ट थी, हेनरी भी एक साइंटिस्ट था, तो वो क्लेयर को अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। हेनरी उसे लेबोरेटरी में ले जाता था और वहाँ के स्लीपिंग कैप्सूल में उसकी वाइफ एलिजाबेथ के क्लोन को दिखाता था। हेनरी की वाइफ अपने पहले बच्चे को पैदा करते समय ही मर गई थी। एलिजाबेथ को एक बीमारी थी और तब हेनरी ने अपनी वाइफ का डीएनए लेकर उसके 6 क्लोन मतलब कि एलिजाबेथ की 6 कॉपी बनाई, लेकिन सिर्फ उनमें से 2 क्लोन में ही बीमारी थी तो वो भी मर जाती और तब उसने बाकी के 4 एलिजाबेथ को स्लीपिंग कैप्सूल में डाल दिया तब तक जब तक कि बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता। क्लेयर ने पहले तो इस काम के लिए मना किया था पर हेनरी उसे समझाता है कि ये एक्सपेरिमेंट उसके करियर में बहुत अच्छा होगा और तब क्लेयर भी मान गई थी। फिर 2 साल के अंदर अंदर ही क्लेयर का एक्सपेरिमेंट भी सही होता है और हेनरी और क्लेयर क्लोन में मेमोरी डालने लगते हैं। तीसरे नंबर की एलिजाबेथ फिजिकली हेल्थी थी पर उसे उसकी बातें याद नहीं रहती थी। एलिजाबेथ को एक दिन लेबोरेटरी में अपने जैसे क्लोन दिखाई देती है और वो वहाँ से भाग जाती है और ऐसे ही फ्रैंक को एलिजाबेथ मिल गई थी और वो फ्रैंक को कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। हेनरी ने फ्रैंक को पैसे दिए थे ताकि वो एलिजाबेथ के बारे में किसी को भी नहीं बताए। अब फिर प्रेजेंट टाइम में ओलिवर एलिजाबेथ के लिए खाना लेकर आता है और एलिजाबेथ उस पर हमला करके डोर का कोड पूछती है। ओलिवर कोड बता देता है और एलिजाबेथ उसे बेल्ट से बांधकर डोर के पास जाती है। वो वही कोड डोर के लॉक में लगाती है पर डोर नहीं खुलता है क्योंकि ओलिवर ने उसे गलत कोड बताया हुआ था। एलिजाबेथ फिर से रूम में चली जाती है तो ओलिवर वहां से भाग चुका था। एलिजाबेथ फिर किचन से एक चाकू उठा लेती है और एलिजाबेथ उसी लेबोरेटरी में जाती है। वहां पर ओलिवर 6 नंबर की एलिजाबेथ क्लोन का ध्यान रख रहा था। ओलिवर उसे कहता है कि वो जाए उस डायरी को पूरा पढ़े जिसके बारे में वो उसे यहाँ से जाने देगा और मौका मिलते ही ओलिवर एलिजाबेथ को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। एलिजाबेथ जब नींद से उठती है तो हेनरी ने उसके पैर पर चेन लगाकर उसे बांध कर रखा हुआ था और उसका रूम भी बाहर से लॉक कर दिया गया था। एलिजाबेथ चेन नहीं खोल पाती है तो फिर से डायरी पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि कुछ दिन के बाद में 3 नंबर की एलिजाबेथ मर गई थी। हेनरी क्लेयर से कहता है कि वो खुद मरी है और क्लेयर को हेनरी पर शक होता है पर वो कुछ नहीं बोलती है। वो 3 नंबर की एलिजाबेथ को दफना कर वो फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को करने लगते हैं और ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं। हेनरी अब अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा होने की पूरी आशा खो देता है और इसी समय क्लेयर और हेनरी करीब आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में ओलिवर खाना लेकर एलिजाबेथ के पास में आता है और उसे डायरी से क्या पता चला ये पूछता है। एलिजाबेथ कहती है कि अब तक डायरी में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है और ओलिवर बताता है कि क्लेयर ने सही क्लोन बनाया था पर हेनरी ने उसमें हेरफेर की थी। वो जब बोर्डिंग स्कूल में था तभी सारे क्लोन्स तैयार हो गए थे। जब वो 12 साल की उम्र में घर पर आया था तो उसने 2 नंबर की एलिजाबेथ को देखा था और उसके मुताबिक वो एलिजाबेथ सबसे ज़्यादा सुंदर थी और उसी के बाद ओलिवर अंधा हुआ था। 2 नंबर की एलिजाबेथ और ओलिवर बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और तब हेनरी ने जलन में आकर ओलिवर को अंधा कर दिया था क्योंकि वो हेनरी से नफरत करता था। ओलिवर वहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ फिर से डायरी पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि क्लेयर ने हेनरी से ब्रेकअप कर लिया था और उसे पता था कि वो कभी भी एलिजाबेथ की जगह नहीं ले सकती है। और एक दिन क्लेयर हेनरी से पूछती है कि वो आखिरकार चाहता क्या है और वो ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है, जिस पर हेनरी कहता है कि वो अपनी पहली वेडिंग नाइट मतलब कि अपनी सुहागरात को बार बार जीना चाहता है। क्लेयर हेनरी से प्यार करती थी तो मजबूरी में उसकी हेल्प करने लगती है और इसी तरह 4 नंबर की एलिजाबेथ भी रेडी हो जाती है। क्लेयर को पता लगता है कि एलिजाबेथ का बच्चा भी उसके साथ में पैदा होते ही मर गया था। दरअसल ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं बल्कि वो खुद हेनरी का ही क्लोन है, मतलब कि ओलिवर हेनरी की ही कॉपी है। हेनरी चाहता था कि उसके मरने के बाद भी यंग ओलिवर और यंग एलिजाबेथ साथ में रहे
और ये सब जानकर पांचवें नंबर की एलिजाबेथ को शॉक लगता है कि ओलिवर हेनरी का ही क्लोन यानी कि उसी की कॉपी है। अब दूसरे दिन ओलिवर कैची से डराकर एलिजाबेथ से पूछता है कि उसे डायरी से क्या पता लगा, जिस पर एलिजाबेथ बताती है कि वो हेनरी का क्लोन है। लेकिन हेनरी ने ओलिवर को बर्थ सर्टिफिकेट दिया है और उसके हिसाब से वो क्लोन नहीं है। एलिजाबेथ उसे सेड्यूस करती है और कहती है कि वो दोनों अब से साथ रहेंगे और मौका देखकर वो कैची ओलिवर से छीन लेती है और अपने पैरों की चेन को खोल लेती है, जिसके बाद में वो ओलिवर को डोर का कोड पूछती है। वो फिर ओलिवर को मार ही रही थी कि तभी छठे नंबर की एलिजाबेथ आती है। उसने अपनी वेडिंग ड्रेस पहन कर रखी हुई थी और उसके हाथ में एक गन भी थी। छठे नंबर की एलिजाबेथ ओलिवर को बचा रही थी। फिर पांचवें नंबर की एलिजाबेथ उसे समझाती है कि ओलिवर एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वो क्लोन एलिजाबेथ उसकी बातें नहीं सुनती है और फिर एलिजाबेथ कैची से ओलिवर पर हमला कर देती है और उसे वो होस्टेज बना लेती है। लेकिन क्लोन एलिजाबेथ गोली चला देती है और गोली ओलिवर को जा लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि एलिजाबेथ घर से बाहर जाती है पर क्लोन एलिजाबेथ उस पर गोली चला देती है और मरने से पहले एलिजाबेथ उसे क्लेयर की डायरी पढ़ने के लिए कह देती है। फिर हम देखते हैं कि अपने कपड़े बदलकर क्लोन एलिजाबेथ क्लेयर की डायरी पढ़ती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि चौथे नंबर की एलिजाबेथ को मारते समय क्लेयर ने सब कुछ देख लिया था और तब हेनरी ने अपनी सारी संपत्ति क्लेयर के नाम पर कर दी थी ताकि वो किसी को भी कुछ नहीं बताए। क्लेयर पुलिस को ये सब कुछ बताने वाली थी लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि हेनरी की वाइफ एलिजाबेथ तो पहले ही मर चुकी थी। हेनरी को एलिजाबेथ को बार बार मारने में मजा आ रहा था और उसे कोई दुख भी नहीं था क्योंकि ये सारी एलिजाबेथ असली एलिजाबेथ के क्लोन थी। अब प्रेजेंट टाइम में क्लेयर घर पर आ जाती है और एलिजाबेथ उसे उसकी डायरी दे देती है और कहती है कि उसे कुछ अच्छा करना चाहिए और ये कहकर वो बाहर की दुनिया की तरफ निकल जाती है और वो उसे ये कहती है कि अब वो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों इस मूवी में ये बताया गया है कि हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि न्यूरोलॉजिस्ट क्लेयर की मदद से अपनी मरी हुई पत्नी एलिजाबेथ के डीएनए से उसका क्लोन बनाने की कोशिश करता है। वो एलिजाबेथ की 6 कॉपी बनाता है क्योंकि कोई भी एलिजाबेथ ठीक तरीके से नहीं बनी थी और कुछ में तो बीमारियां लग गई थी। वो अपना भी क्लोन बनाकर रखता है ताकि अगर जब हेनरी मर जाए तो वो एलिजाबेथ के साथ में हमेशा के लिए रहे। लेकिन मूवी के अंत में एक क्लोन एलिजाबेथ को ये बातें पता चल जाती है और एंड में वो अपनी एक आज़ाद जिंदगी जीने लगती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।